क्या बना है आज? आज तो मैंने तहरी बनाया हुआ है। तहरी बनाई है? हाँ, लंच में। बता कर से नहीं, जैसे बहुत गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से आकांक्षा ब्लॉग्स एंड ब्यूटी के चैनल में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आलू बॉयल करके रखा है और बस गर्मा गर्म ही मैंने इसको निकाला है आलू को। और आप लोग समझ गए होंगे कि मैं पापड़ बनाने वाली हूँ, तो इसी के लिए मैंने आलू बॉयल करके रखा हुआ था। बस इसको करूँगी कद्दूकस। तो जब भी पापड़ बनाए, तो जब भी आप कद्दूकस करें, तो आलू को गर्म गर्म ही कद्दूकस करें, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का ठंडा हो जाए आलू, लेकिन हाँ फिर भी गर्म रहे ताकि कद्दूकस अच्छी तरीके से हो जाए। और तो यहाँ पर मैं सारे आलू को अच्छी तरीके से कर लूँगी कद्दूकस। तो यहाँ पे मैंने पूरे आलू को कर लिया है मैश अच्छी तरीके से, और ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी खड़ा आलू ना हो, अच्छी तरीके से ये मैश हो जाए। और उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे चिली फ्लेक्स। अगर इस चिली फ्लेक्स आप पीस के रखे हो तो ठीक है, नहीं तो आप सूखी लाल मिर्च को अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस लीजिए। और उसके बाद इसमें नमक हम डालेंगे, नमक और जीरा, फिर इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और बाकी इसमें कुछ नहीं डालना है, आप सब तो जानते ही होंगे पापड़ बनाना। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन को बिछा लिया है अच्छी तरीके से, और एक पॉलीथीन ले लिया है। तो चलिए फटाफट से मैं पापड़ बनाती हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बनाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि पूरी मेरी पॉलीथीन उड़ी जा रही थी, उसको पकड़ते पकड़ते। और पापड़ मैंने बना लिए हैं, लेकिन इसलिए मैंने कम ही आलू बॉयल किए थे, ज़्यादा मैंने आलू नहीं बॉयल किया था। अब पूरी पन्नी से हवा चली जा रही है। ओह शिट, मैंने चारों तरफ ईंटें लगा दी हैं ताकि उड़े ना पन्नी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये पॉलीथीन उड़ेगा नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है इसको। आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ा तो आ रहा है बनाने में पापड़, लेकिन हवा बहुत चल रही है, इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो चलिए पहले इसको सेट कर लेते हैं, और भी ईंटें रखनी पड़ेंगी मुझे लग रहा है। चलिए फिर आपसे बातें करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने बनाया है तहरी, तो बस ये मैं कर रही हूँ सर्व। इसकी रेसिपी मैंने कई बार आप सबके साथ शेयर किया है, इसको आप पुलाव भी बोल सकते हैं, वैसे हमारे यहाँ इसको तहरी बोला जाता है। तो इसको हम तो बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है खाने में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है ये, और भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लगी है। और पापड़ मैंने तो डाल ही दिया है, तो देखिए कब तक सूखेगा, और धूप तो काफ़ी तेज़ है। तो ये हमने डाल दिया है तहरी, यहाँ हम डाल देंगे देसी घी, और ये रहा हमारा सैलेड, और ये रही तहरी, दिया स्पून। तो चलिए इनको बुला के लाते हैं। चलिए लंच कर लीजिए, लंच। क्या बना है आज? आज तो मैंने तहरी बनाया हुआ है। तहरी बनाई है? हाँ, लंच में। बता कर से नहीं, जैसे बहुत बड़ा बनाई है कुछ? नहीं, वो ना आज मैं पापड़ बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं तहरी बना लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारे पापड़ चक्कर में हमको तहरी खानी पड़ेगी। क्यों, तहरी आपको तो पसंद है। पसंद है, लेकिन अब अभी तो दो तीन दिन पहले खाए थे। कहाँ दो तीन दिन पहले, भी बहुत दिन हो गया बनाए हुए। अरे चलिए जल्दी से खा लीजिए। और भी पापड़ तो बोली थी छोला बनाएंगे यार, कल बना लेंगे, कल पक्का। अरे क्या वीडियो बना रही है क्या? तो क्या मैं ऐसे आपको बोल रही हूँ ना, तो मैंने आप ऐसे खड़ी हो जाती है। मैं तो ऐसे ही, मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे वीडियो में हेलो कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए लंच कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने इनको बताया ही नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं चुपके से मैंने वीडियो बना लिया, और मैं सोच रही थी देखती हूँ ये क्या बोलते हैं। मैंने सोचा कि चलो चुपचाप से वीडियो बनाते हैं और ये देखते हैं क्या बोलते हैं मुझे, तो बस इसीलिए बना लिया। आप सबको भी मज़ा आया होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मैंने लंच निकाल लिया, आपने देखा। तो यहाँ पे मेरे हबी और मेरी श्रीयु यहाँ बैठे हैं, और मैं श्रीयु को खिला रही हूँ, और यहाँ पे वो भी खा रहे हैं लंच। तो चलिए जल्दी से हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। ये रहा मेरा लंच, और यहाँ पे मैंने लिया है आम का अचार,
और हम लोग इसको हाथ से ही खाना पसंद करते हैं, स्पून तो रख लेते हैं लेकिन खाते हाथ से ही हैं। और ये रहा मेरा सैलेड, तो चलिए जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं लंच, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। और लंच करने के बाद यहाँ पे जितना भी चीज़ें यहाँ फेंकी हुई थी, क्योंकि चिड़ियों के सारे खिलौने फेंके रहते हैं और इन्हीं सब से वो खेलती भी रहती है, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं जब मैं बिजी हो जाती हूँ ना तो उसको खेलने को कुछ नहीं मिलता। आप देख सकते हैं किचन में भी इसके खिलौने पहुँच जाते हैं, तो बस वही मैं यहाँ पर सब सेट कर रही हूँ, सब यहाँ से हटा रही हूँ, जो जो भी चीज़ें यहाँ पर मैसी हुआ पड़ा है। तो मैं आप सभी को मिल रही हूँ इवनिंग में, और मैंने बनाया था मैक्रोनी। तो अब मैं मैक्रोनी को करने जा रही हूँ बॉयल। तो यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए पानी रख दिया है भगोने में, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है, इससे क्या होता है कि जो मेरा मैक्रोनी है वो चिपकेगा नहीं। तो मैंने सो फ्रेंड्स मैं जा रही थी चाउमीन बनाने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि मैक्रोनी भी रखी हुई है, बॉयल करने के लिए पानी रख दिया है भगोने में। तो जब तक मैक्रोनी बॉयल होती है तब तक मैं जा रही हूँ दूसरे रूम को सेट करने के लिए। ये मेरा गेस्ट रूम है, देखिए कैसे बना के रख दिए श्रीयू। कितनी बार सेट करती हूँ लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एकदम मैसी कर देती है, सारे अपने खिलौने ले आके फेंक देती है। और मतलब हम क्या कहें, जब मैं इस रूम में जाती हूँ तो मुझे रूम इसी तरीके से मिलता है, क्योंकि यहाँ वो भी अपना बैठ के वर्क करते हैं, तो थोड़ा सा भी उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग डांटते नहीं हैं उसको, क्योंकि बच्चा है ये, अगर कोई साथ में खेलने को नहीं होता है तो फिर बच्चे ऐसे ही खेलेंगे, कुछ कह नहीं सकते उनको। तो मैं इसको श्रीयम को बिल्कुल भी नहीं डांटती हूँ और उसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, जैसे भी खेले बाद में मैं सही कर दूँगी। और उसके बाद वो आ गई मुझे प्यार करने लगी, तो मैं भी थोड़ा सा बैठ गई उसके साथ, थोड़ा बहुत खेला। उसके बाद फिर मैं पहुंच गई किचन में और मैंने कहा थोड़ा सा तुम खेलती रहो, अभी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं काट रही हूँ एक शिमला मिर्च और प्याज काट रही हूँ, तो चलिए फटाफट से कट कर लेते हैं। नाटो अरे बेटा इतना गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा? मच्छर काट रहा है, बाबू को उठा लो। बाबू सो रहा है, अच्छा नीचे सुला रही है बाबू को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीयू कितना ज़्यादा चिल्ला रही थी, तो वही मैं चली गई, मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या कर रही है। तो यहाँ पे मेरा जो मैक्रोनी बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए फटाफट करते हैं सर। तो आइए आप सब भी खा लीजिए मैक्रोनी और चलिए हम खा के उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। तो मैक्रोनी खाने के बाद फिर आ गई मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय इन्होंने बोला थोड़ी देर से बनाना। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चाय पत्ती डाल दी हूँ और मैं बनाऊँगी अदरक की चाय। और किस किस को अदरक की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो यहाँ पे मैं अपने लिए अदरक को कूट रही हूँ और इनको बिना अदरक की चाय निकाल के फिर मैं अपने चाय में डालूँगी अदरक। तो इनकी चाय मैंने निकाल लिया है और अब मैं अपने चाय में डाल रही हूँ अदरक और उसको पहले मैं पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं पीऊंगी। तो चलिए मैं इनको चाय दे के आती हूँ। तो मैंने इनको चाय दे दी थी और अब मैं आई हूँ अपने चाय को छानने, क्योंकि अदरक अच्छे तरीके से पक चुका होगा।
तो बस मैंने अपनी चाय को छान लिया है, तो अब मैं चल रही हूँ चाय को पीने के लिए। आइए आप सभी पी लीजिए गर्मा गर्म अदरक की चाय। तो मैं अब चाय को आराम से बैठ के डाइनिंग टेबल पे पीने वाली हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय, और वीडियो में यहीं तक रखूँगी क्योंकि पूरे के पूरे 10 मिनट का वीडियो बन गया है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आज आप सबके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, आप सब मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो चलिए मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।